बिहार के जहानाबाद में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में अचानक से मची भगदड़ की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 35 श्रद्धालु घायल हुए हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में अभी 7 शवों को लाया गया है और मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। भगदड़ रात के समय हुई है और पुलिस ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज भी किया जा रहा है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। देखिए, जो दुर्घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा घटना आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि 35 साल से हम विधायक हैं बेलागंज में और हर साल देखिए, ये तो जांच का विषय है। जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता है तो किसी आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। नहीं, जिला प्रशासन तो आपका बहुत टाइट है, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था भी किया था और जो जिला प्रशासन है अभी ऐसे दोषी नहीं मान लेंगे जब तक ये जांच का सामने मामला नहीं आ जाए। हाँ, जिला प्रशासन से हम चाहते हैं कि आगे उस पर ध्यान रखे। दूसरी बात कि जो मृतक है सबका उचित मुआवजा मिले, एक एक नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए, जो भी लोग हों। हमको अभी तक 8 महिला के और पुरुष को मिलाकर दोनों का सूचना मिला है और फिर 12 बजे तक इसका पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग गया की ओर भी लेके चले गए हैं, उठाकर जो साथ में उनका परिजन था वो कुछ गया भी लेके गए हैं, तो गया वाले ले गए किस हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल तक तो नहीं पहुंच पाए पर गया में कहीं लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो टोटल शाम तक आपको हम अवगत करा देंगे कि टोटल कितना मृतक हुआ है।